सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बीले बतो विक्रम रुक्रमान्ये बीले बतो विक्रम रुक्रमान्ये। आज शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज बहुत आनंद आ रहा है। बाद में एक प्रश्न उठाया, दुनिया का सृजन कैसे हुआ, ये दुनिया की सृष्टि कैसे हुई। बताया सुखदेव ने पूर्व कल्पवत, जब राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में पूछा ना, तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि ओहो, मैं तो मंगलाचरण करना ही भूल गया था, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी थी। तो सुखदेव जी ने अब मंगलाचरण किया है कथा के बीच में। जैसे हम लोग शुरू में मंगलाचरण करते हैं ना, सुखदेव जी ने शुरू में नहीं किया, बैठते ही कथा शुरू। अब जब सृष्टिकर्ता की याद आई तब मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। हे हरि, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, आप ही अपनी शक्ति के द्वारा संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। आप ही जगत नियंता हैं, आप ही जगदाधार हैं, आप ही जगदीश हैं और आप ही जगत के कारण हैं। आप ही चराचर जगत के भीतर विद्यमान हैं और आप ही चराचर जगत के बाहर भी विद्यमान हैं। देखो, स्काई मतलब आकाश होता है, इंग्लिश भी इस भाषा में भी माना गया है स्काई आकाश। आकाश क्या है, बोले स्पेस, एक खाली जगह, स्पेस वही आकाश है। तो वेदांत में घड़े के अंदर वाला जो भाग है उसको भी आकाश कहते हैं, वहां भी आकाश है हाँ, लेकिन वो घटाकाश है, घट के अंदर वाला आकाश, और ये बाहर फटाकाश, विशाल आकाश। तो घड़े के अंदर जो आकाश है ऐसा नहीं कि वही पूरा आकाश है, आकाश तो बहुत विशाल है हाँ। और भी सरलता में आपको समझाऊं, जैसे सूर्य के नीचे किसी थाली में पानी भर दो और उसमें आप सूर्य को देखो, बड़ा छोटा दिखाई देता है थाली में हाँ, लेकिन थाली में छोटा दिखाई देने के बावजूद भी सूर्य उतना छोटा नहीं होता है, सूर्य बहुत बड़ा होता है। थाली में पानी भरा है, जरूर छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हकीकत में सूर्य कहीं और है, वहां नहीं है। ऐसे ही संसार के भीतर भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन भीतर रहते हुए भी बाहर भी विद्यमान है परमात्मा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। 12 मंत्रों से सुखदेव जी ने परमात्मा को वंदन किया और अब परीक्षित के प्रश्नों का जवाब दिया। ध्यान से सुनना, मस्ती में सुनोगे तब आनंद आएगा, जरा भी ध्यान इधर उधर गया ना फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए ध्यानस्थ मन लगाकर सुनो। अब आए हो सुनने तो कम से कम यहां तो बेईमानी ना करो, सुन ही लो यहां हाँ। कई लोग पता है भगवान से भी बेईमानी करते, यहां कथा सुनने आए हो तो कथा सुनो ना, यहां भी मोबाइल चलता रहता है कई लोगों के, बगल वाले से थोड़ी बातें भी हो जाती है। खासकर मैंने माताओं को देखा है, क्या बनाया था आज घर में,
खाने को। साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, बीच बीच में ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए भैया, कथा में तो ईमानदारी से बैठो ठाकुर के पास। बाकी 21 घंटे तो हैं ना आपके लिए, हाँ उसमें संसार का कार्य करो। 3 घंटे यदि भगवान के पास बैठे हो तो यहां बेईमानी नहीं, ईमानदारी। जो कार्य करो पूरे डूब कर करो। हमारे राहत इंदौरी साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा था, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हाँ, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। जो कार्य करो मन लगाकर करो, डूब कर करो। कथा सुनने बैठे हो तो उतनी देर ठाकुर के रहो। हमारे संतों में कहावत है, मस्त राम मस्ती में फिर चाहे आग लगे बस्ती में। जब मस्ती में डूबे हो तो फिर उस मस्ती में रहो, ध्यान से आनंद पूर्वक सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण। संसार में देखो पहले कुछ भी न था, जल ही जल था। पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं, संसार में कुछ भी नहीं, केवल चारों ओर जल ही जल था। केवल एक परमात्मा, और वह भी निराकार, उसका कोई आकार नहीं था, निराकार, केवल शक्ति। तो उस परम शक्ति को अनेक होने की चेष्टा हुई, और अनेक होने की चेष्टा करते ही अनेक हो गया। पहले पुरुष और प्रकृति दो हुए, फिर प्रकृति के 3 गुणों में रूपांतरण हुआ, काल और कर्म स्वभाव। फिर 3 गुण निकले हैं, सात्विक, राजस और तामस। फिर रजोगुण से, तमोगुण से और सत्वगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 हुए। फिर 10 इंद्रियों के 10 देव प्रकट हुए सतोगुण से, 20 हो गए। फिर अंतःकरण चतुष्टय बना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर इन चारों के देव। और तब प्राण नाम का 25वां तत्व प्रवेश किया, और तब जल के भीतर से विराट पुरुष बाहर आया। बोलिए विराट नारायण भगवान की जय। और वह विराट पुरुष कैसा है आपने चित्र में देखा होगा, हजारों भुजाएं, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों पग। और हमारे यहां वेदों में पुरुषोक्त में परमात्मा के इसी विशाल विराट रूप का वर्णन किया गया। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभौम्यगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष ये वेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। बड़ा प्यारा वर्णन आया है पुरुषोक्त में विराट नारायण परमात्मा का। ये सूर्य और चंद्र उसके 2 नेत्र हैं, ये नदियां उसकी नाड़ियां हैं, ये बादल उसके केश हैं, ये जो बिजली चमक रही है उसका हास्य है। संसार में जितने वृक्ष हैं वो सब रोए हैं उसके। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षोहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राण शमुखाद अग्नि रजायत नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णोर्जौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। बड़ा प्यारा वर्णन है विराट नारायण का। और उसी विराट नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले ब्रह्मा जी को एक ही मुख था, लेकिन ब्रह्मा बुद्धि के देवता है ना, सोचने लगे कौन हूं मैं, को हम कौन है। ये जानने की चेष्टा से ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, तब ब्रह्मा जी को 4 मुख हो गए, चतुरानन बने। चारों तरफ देखा तो जल ही जल था। ब्रह्मा ने सोचा मैं कौन हूं,
किसने बनाया मुझे? तब ध्यान गया कमल पर, सोचा ये कमल कहां से निकला है, वहां चलूं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।